अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की दवाइयां और महंगी डाइट पर भरोसा दिखा रहे हैं, जबकि इसे बढ़ाने का सस्ता और नेचुरल उपाय भी है। हेल्थ एक्सपर्ट दावा करते हैं कि गिलोय की पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। कुछ लोग तो इसकी पत्तियों को दूसरों फलों के साथ जूस में मिलाकर पीते हैं। गिलोय की पत्तियों का पान के पत्ते की तरह होती है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके तनों में स्टार्च की भी अच्छी मात्रा होती है। ये एक बेहतरीन पावर ड्रिंक है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा करता है। नमस्कार, मैं हूं पूजा रावत और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप डॉक्टर्स। मेटाबॉलिज्म सिस्टम बुखार, खांसी, जुखाम और समस्या के अलावा भी ये कई बड़ी बीमारियों से आपकी रक्षा कर सकता है। आप उबले पानी या जूस के अलावा काढ़ा, चाय या कॉफी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञान जगत के बड़े बड़े महारथी भी गिलोय के पत्तों को एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार मानते हैं। गिलोय एनीमिया दूर करने में सहायक है। इसे घी और शहद के साथ मिलाकर लेने से खून की कमी दूर होती है। पीलिया के मरीजों के लिए भी गिलोय के पत्ते को फायदेमंद माना जाता है। कुछ लोग इसे चूर्ण के रूप में भी लेते हैं तो कुछ इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर पीते हैं। अगर आप चाहे तो गिलोय की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। हाथ पैरों में जलन या स्किन एलर्जी से परेशान लोग भी इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए गिलोय बहुत फायदेमंद है। गिलोय की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर ले और उसे सुबह शाम पैरों पर और हथेलियों पर लगाए। पेट से जुड़ी कई बीमारियों में गिलोय का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे कब्ज और गैस की प्रॉब्लम नहीं होती और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। गिलोय का इस्तेमाल बुखार और सर्दी जुकाम करने के लिए भी किया जाता है। अगर बहुत दिनों से बुखार है और तापमान कम नहीं हो रहा है तो गिलोय की पत्तियों को आप उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। गिलोय का इस्तेमाल अक्सर बुखार में किया जाता है। बुखार के अलावा इसका उपयोग कई औषधियों के गुण भी किया जाता है। डेंगू में गिलोय का सेवन प्लेटलेट्स कम होने पर किया जाता है, इसके लिए गठिया रोग के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें।